2002 का नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल मैच कौन भूल सकता है, जब भारत ने इंग्लैंड को उसी के घर में हराया था। लेकिन उस इंग्लैंड टूर के दौरान भारतीय कप्तान सौरव गांगुली यानी दादा के साथ एक बेहद डरावनी घटना भी घटी थी। अब इससे पहले कि आप में से कुछ समझदार लोग कमेंट सेक्शन में ये कहे कि ये वीडियो फेक है या फिर गालियाँ दे, तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि इयान बोथम की बिफीज क्रिकेट टेल्स इस बुक को इंटरव्यू देते हुए सौरव गांगुली ने खुद इस वाक्य का जिक्र किया था। तो जिन लोगों को शक है वो लोग ये किताब पढ़ सकते हैं। टूर के दौरान एक मैच के लिए पूरी भारतीय टीम और स्टाफ डरहम के होटल लमले कासल में ठहरे हुए थे। लमले कासल इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होटल्स में से एक है, जो पहले एक किला था और अब इसे एक लग्जरी होटल में तब्दील किया गया है। शाम को प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद डिनर करके दादा सीधा अपने स्वीट में लौटे, क्योंकि अगले दिन सुबह मैच था। रूम में आते ही उन्होंने खिड़कियों के पर्दे बंद किए और सभी लाइट स्विच ऑफ करके वो सो गए। लेकिन सोने के कुछ ही देर बाद बाथरूम के नल से पानी बहने की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। उठकर उन्होंने लाइट्स ऑन की और नल बंद करने के लिए वो बाथरूम की तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि बाथरूम के सारे नल तो पहले से ही बंद थे। दादा को लगा कि उन्होंने शायद कोई सपना देखा होगा या फिर बगल की किसी रूम से आवाज़ आई होगी। इस बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और लाइट्स बंद करके वो फिर से सो गए। लेकिन आधे घंटे बाद बाथरूम में पानी बहने की आवाज़ से फिर से उनकी नींद खुल गई। बाथरूम में देखने पर इस बार भी सारे नल पहले से ही बंद थे। इस बार दादा थोड़े घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये हो क्या रहा था। इसके बाद दादा ने कुछ देर तक लाइट्स ऑन रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स के ऑन रहते हुए भला किसी को कैसे नींद आ सकती है। काफ़ी समय तक दादा को भी नींद नहीं आई, तो उन्होंने लाइट्स बंद करके फिर से सोने की कोशिश की। सोते हुए दादा को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब तीसरी बार नल से पानी बहने की आवाज़ से फिर से उनकी आँख खुली। इस बार दादा बहुत ज़्यादा डर गए और अपना रूम छोड़कर उन्होंने उस रात रॉबिन सिंह के साथ रूम शेयर किया। इस घटना के बाद सौरव गांगुली कभी भी होटल लमले कासल में नहीं रुके।